27 जनवरी रांची के जेसीए स्टेडियम में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है। वहीं झारखंड के लाल कहे जाने वाले और झारखंड में अपनी नई पहचान बनाने वाले सुजीत मुंडा को आमंत्रण नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि सुजीत मुंडा T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में जीत कर झारखंड का नाम रोशन किए है। सुजीत मुंडा ने यह भी कहा था कि सरकार मेरे पर ध्यान नहीं दे रही है, इसका जीता जागता उदाहरण इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में आमंत्रण नहीं देने पर ही पता चल जा रहा है कि झारखंड में हो रहे मैच में अपने स्थानीय खिलाड़ी को ही आमंत्रित नहीं किया गया। सुजीत मुंडा T20 वर्ल्ड कप मैच खेलकर तो आ गए हैं, लेकिन इनका घर अभी भी वैसा का वैसा ही है। वहीं टूटी झोपड़ी वहीं मार भात चोखा। सुजीत मुंडा हर जगह कहते रहे कि सरकार हम पर ध्यान दे, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा है। देखना यह होगा कि झारखंड के उभरते खिलाड़ियों को सरकार कितना सपोर्ट करती है या अपने ही राजनीतिक मसले में बिजी रहती है। वहीं आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद भारत को 3 मुकाबलों की T20 सीरीज खेलनी है। इसका पहला मुकाबला 27 जनवरी को JCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में खेला जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मंगलवार को इंदौर में वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले के अगले दिन बुधवार यानी आज दोनों टीमें शाम चार्टर्ड विमान से रांची पहुंचेंगी। टीमों के ठहरने का प्रबंध होटल रेडिशन ब्लू में किया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।